आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में एक शब्द का प्रयोग होता है आलिम, बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े फाजिल हो। तो इस वीडियो में आलिम का क्या मतलब होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आलिम क्या मतलब होता है आलिम का, देखिए आलिम का मतलब होता है वो जिसे किसी चीज का अच्छा ज्ञान हो, किसी चीज पर पकड़ हो। जनरली जो है आलिम जानने वाले को बोलते हैं, मतलब ज्ञाता को, ज्ञानी, विज्ञ, विद्वान, चतुर, बहुज्ञ, वाकिफ, जानकार, अल्लामा, अनुभवी, अभिज्ञ, परिचित को हम आलिम बोलते हैं। देखिए आलिम एक डिग्री है, एक सनद है, एक रिलीजियस टाइप का डिग्री है जिसको इस कोर्स पूरा करने के बाद आदमी को स्कॉलर बोला जाता है, आलिम बोला जाता है, मतलब रिलीजियस स्कॉलर मतलब आलिम। इंग्लिश में आलिम को बोलते हैं नोइंग, नॉलेजेबल, स्किलफुल, स्किल्ड, एक्सपर्ट, क्वालिफाइड, स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर, अ रिलीजियस कोर्स एंड सर्टिफिकेट एंड एडीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं आलिम के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि वो वही खुदा है जो आलिमुल गैब है, मतलब गैब की बातों को जानने वाले हैं। तो मतलब वह इंग्लिश में ही इज द गॉड हु इज नोइंग द अनसीन थिंग्स। तो अनसीन थिंग्स का मतलब गैब की चीजें जो गायब हैं फिर भी पता है। दूसरा एग्जाम्पल है हर जानने वाला आलिम नहीं होता, मतलब इंग्लिश में नॉट एवरीवन हु नोज इज अ स्कॉलर। तो मतलब हम छोटी मोटी चीजों को अगर जानते हैं तो हम आलिम नहीं कहलाएंगे, आलिम के लिए आपको विद्वान बनना पड़ेगा, रिलीजियस स्कॉलर बनना पड़ेगा, उसको हम आलिम बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपने आलिम शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।